कंफ्यूजन हो जाए। कैमरामैन फोकस करो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग, नए ब्लॉग स्वागत है सब। आज बढ़िया होगा दोस्तों अभी हमें घर पे एक दोस्तों क्या ही बताया जाए, कितना बड़ा हमारे घर में एक सांप देखा है दादी ने। जो हमारी दादी थी, गई थी कुछ काम से एक रूम में, उस रूम में दोस्तों इतना बड़ा सांप देखी कि उससे जो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सांप है। आइए हम कुछ रेस्क्यू टीम को बुलाए हैं जो आ रहे हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं कितना बड़ा सांप है। हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए इस वीडियो में। आज ये लोग को या फिर रेस्क्यू करवाना हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा अपने इस डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप बुला सकते हैं अपने लोकल एरिया के। अगर आप लोग मेरे लोकल होंगे तो पटना के होंगे आप लोग, हम पटना से हैं, अगर लोग पटना से होंगे तो आप जो है इनको बुला सकते हैं, या आ करके अपना जो किफ़ायती मतलब रेट में आपको जो है सांप निकाल देंगे। तो आइए आपको हम दिखाते हैं हमारे घर में जो है बहुत बड़ा सांप है दोस्तों, जो हम लोग के दोस्तों कंट्रोल निकल हम लोग से दोस्तों हम लोग निकालना चाहें तो इतना जो मतलब रफ्तार में घुस गया ना इस जगह, ऐसा जगह घुसा है उस जगह से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं बने मस्त वीडियो में। चलिए आपको हम दिखाते हैं सांप, और रेस्क्यू टीम आएगा तो उसको दिखाएंगे वो लोग किस तरीके से सांप को निकालते हैं, तो बने मस्त वीडियो में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसी घर में दादी ने सांप को देखा था, देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो है सामान पड़ा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो पाउडर आपको दिख रहा होगा, ये पाउडर सांप जहाँ होता है वहाँ पे दिया जाता है, इससे जो दोस्तों सांप जो है निकल के भागता है, उसको जो जलन होता है पाउडर से। तभी हम बता दें आपको कि वहाँ पे था सांप, जब हम मतलब उसको निकालना चाहे तो वहाँ पर चढ़ गया था। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, बाकी वहाँ पर सांप था तो वहाँ से नीचे गिर गया और इसमें घुस गया। इसमें घुसने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने इस पर, वो मरा नहीं, इतना फास्ट तरीके से आया ऐसे 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 और इस में घुस गया है, जो दोस्तों तो बहुत ज़्यादा देख सकते हो दोस्तों। इसमें जो है सामान रखा हुआ रहता है, जैसे कि भूसा जो चारा होता है जानवर का खाने वाला चारा इसमें रखा हुआ है, इसी में घुस गया है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों हम लोग तो हमसे तो निकलेगा नहीं, तो इसीलिए दोस्तों हमने रेस्क्यू टीम बुलाया है और वो इसको यहाँ से निकालेंगे। तो हमारे चैनल पर बन रही है, आपको हम दिखाएँगे कि किस तरह से सांप को निकाला जा रहा है। सांप मैं बता दूँ दोस्तों के बहुत ही विशाल सांप है, जो हमारे कंट्रोल से तो बाहर है भाई, हम लोग उसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, काट लिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो बन रही हमारे इस वीडियो पे, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से सांप को निकाला जा रहा है। यही है दोनों शख्स जो टीम मेम्बर का इंतजार कर रहा है, वो लोग रेस्क्यू टीम का। हम लोगों को कहा गया है कि देखते रहिए सांप कहीं जाए ना, अगर निकल के भाग जाएगा तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, पैसा भी लग जाएगा और आपका सांप भी रेस्क्यू नहीं हो पाएगा। यही पे देख रहा है ये लोग, अमन है ये, आपको हम बता दें दोस्तों ये मेरा छोटा भाई अमन है और एक करण है। ये लोग आप लोग को चैनल पर नया देख रहा होगा फ्रेंड्स, तो मेरा भाई है, यही हम लोग का है, देख सकते हैं यहाँ से निकल गया है उसमें। बन रही है हमारे इस वीडियो में, आपको हम दिखाते हैं। कंफ्यूजन हो जाए, इधर देखो, इधर इधर देखो, नहीं ना उपला में जो है ये सब क्या कीजिएगा, इसको साफ करिएगा, ये जो हटाएंगे तभी निकलेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कड़ी मशक्क़त के साथ जितना सारा जो है निकाला जा रहा है, हमारे यहाँ इसको गोइठा बोलते हैं, मतलब भैंस का गोबर का ये होता है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अंदर था। हम लोग को इतना गुस्सा आ रहा था कि फालतू का ये सब रखा हुआ है अंदर, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है हम लोग को, ये फालतू में इतना बड़ा मतलब क्या ही बताए, इतना मेहनत लग रहा है, इतना कचरा था अंदर, बहुत गर्दा से दिमाग ख़राब हो रखा है। देखा मैंने अपने फेस पर वो लगा रखा है, जो गर्दा से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो हम लोग जो इसको निकाल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है मात्रा में ये, और देख सकते हैं सांप जो है बहुत अंदर है, जब तो ये निकलेगा नहीं तब तक सांप पकड़ में नहीं आएगा। तो बन रही है हमारे इस वीडियो में, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से आप लोग सांप को हम लोग निकाले हैं। हाय कहाँ तो ये
हाय पकड़ना क्या तो पूछ पकड़ लिए तो तब भी आदमी रेस्ट कर रहा है पूछ पकड़े में फिर देर नहीं ना करेगा अभी समझ रहा है कि अभी नहीं पकड़ेंगे दो चार फटका इसको भी पड़ जाएगा समझ रहे अंदर रे घुसा हुआ है ना छोड़ना नहीं सही चीज पकड़ाया है ना छोरे का चांस ही नहीं है सही चीज बहुत मेहनत करवाया पकड़ के इसको ले जाइए तो जाकर छोड़ दीजिएगा चलो बाबू का घर है भाई देखिए अरे अरे रुके रुके तकिया खोला लाइए तकिया खोला दीजिए कट गया कोई मारा है तो कैसा करो शांत था दवाई लगाई लग रहा है ज्यादा हल्दी नहीं लग गया है कस के ना कस के कट गया सुनो इसको ऐसे नहीं हुआ दो जगह लाठी पड़ा था ठीक है क्या क्या खोला दो हॉस्पिटल ले लेते टगिया खोल लाइए ना दवाई करके जंगल में पूरा मुरा नहीं कटा हुआ जो काम करनी थी भैया हाँ क्या नाम है ढाबी ने है ना जो काम कर लीजिए कुछ कपड़ा लाइए वो हल्दी नहीं हल्दी का बुकनी जल्दी मन के अंदर से कपड़ा और हल्दी का बुकनी अभी नहीं तो हल्दी बुकनी नहीं ये सब काटता नहीं है काटता है लेकिन गलत तरीके से हैंडलिंग करेंगे तो काट लेगा कितना आराम से इसको हम लोग पकड़ लेंगे अरे पैर आपके पास है काट नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं पूरा फट गया है एक सप्ताह के बाद छोड़िएगा ना तभी इस अवस्था में छोड़िए बचेगा थोड़े थोड़े तो मर जाएगा चूटी लग जाएगी इतना मेहनत करके आना ये सब वो सब पे तो बिगाड़ हो जाएगा हाँ टूटा हुआ समझ गए अरे सब पकड़ के ले जाते होंगे तो इस विभाग भी आप लोग कुछ देता है कि नहीं कुछ नहीं आप लोग अपना विभाग है उसी से क्या देखा दूध पीता हुआ से ना सांप दूध नहीं पीता कोई भी जब वही तो सांप दूध नहीं पीता वो खाता है मांस खाता है मेढक मेढक चूहा ऐसा मेढक खेत में निकलता है किसान तो इसे मरता है सब नहीं मारता किसान मारेगा इसको किसान का तो दोस्त है किसान का तो केचुआ हो गया ये सब किसान का इसका बच्चा उच्चा नहीं बच्चा अभी छोटा अपने है अंडा उठा होता है कुछ नहीं होता अंडा बच्चा वाला सांप ही नहीं है सीजनों अभी नहीं आया है सीजन अभी का आज जाने चला झोला दे दे झोला है हाथ में लटका चलो ना काहे ना अथी करेगा हाथ धुलाइए हाथ में धुलाइए पानी